हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 1 होगा, और ये 6 का 1 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 का 1। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसे, क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें क्वेश्चंस है, आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है आपका पॉलीनोमियल का 3x³ - x²-3x+1, और इसका x इक्वल टू वन। इसका क्वेश्चंस में दिया गया x जीरो से, वो क्या है, जीरो से। तो उस जीरोस को हमें ये दिखाना है कि और टोटल कितना जीरो होगा, ऑल अदर, एक जीरो तो है ही, साथ में और कितना जीरोस बन सकता है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कितना जीरो होता है और क्या क्या जीरोस बनेगा। तो देखिए क्वेश्चंस दे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा, 6 का 1। ओके, तो 6 का 1 दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स, क्या ले लिया, लेट पी एक्स। पी एक्स का मतलब होते हैं पॉलीनोमियल ऑफ एक्स, एक्स का जगह पर आप क्या क्या डाल सकते हैं वही है पी एक्स। ओके, तो लेट द पी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x³ - x²-3x+1। ये है आपका पॉलीनोमियल। इस पॉलीनोमियल्स में दिया गया है कि x का जगह पर क्या हो सकता है, ये हमें देना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, एक जीरोस दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है 1, यानी x का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और ये 1 क्या है, एक जीरोस है। x का जो वैल्यू होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीरो, क्या बोलते हैं, जीरो। जो भी x का वैल्यू होती है, x इक्वल टू 1 इज अ जीरो, क्या है, इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। पी एक्स का मतलब ये जो पी एक्स है इसका एक जीरो है, यानी मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि ये जो नंबर्स है 3x³ - x²-3x+1, इसका जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू निकलेगा, उसका एक्स, एक टू एक्स का जो वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू 1, वही उसी को हम जीरो बोलते हैं। और कितने जीरोस निकलेगा इसमें वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x को, ये 1 इस साइड आ जाएगा, तो x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या बन गया, फैक्टर, इज अ फैक्टर, क्या बन गया, ये फैक्टर, फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब यहाँ से देख सकते हैं x माइनस 1 में इस वाले पार्ट को अगर हम लोग, पी एक्स का मतलब ये वाला पार्ट है, तो पी एक्स को अगर डिवाइड दे तो 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x³ - x²-3x+1, और इससे डिवाइड देंगे। ओके, तो इसका रूल्स तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्या कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे हाईएस्ट पावर है उसे सबसे पहले लेंगे, तो 3x³, यहाँ क्या लिखा हुआ, 3x³, और यहाँ पर x है तो ओनली x दिया, x से कैंसिल हो जाएगा ये 2 times, यहाँ पर क्या बचा, 3x², तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3x², और इस 3x² में हम लोग क्या, किससे मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, 3 यानी किससे मल्टी, एक्स माइनस 1 में 3x² से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 3x², और इधर में बच जाएगा कितना, 3x³, ये हमें फाइंड आउट हो गया। तो देखिए ये वाला पार्ट कहाँ पर है, देख लेते हैं, तो 3x³ यहाँ पर है, 3x³ माइनस में 3x² माइनस में 3x² यहाँ है, यहाँ दे दिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और देख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 के नीचे क्या है, प्लस है, और x का पहले, मतलब x का मतलब होता है, x² का मतलब होता है इसके पहले कौन सा नंबर है, उसे हम लोग बोलते हैं कोफिशियंट। कोफिशियंट मैंने x² का कोफिशियंट 1 है, और यहाँ पर x² का कोफिशियंट के नीचे 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 से पहले ये प्लस है, इसे नहीं देखना, ये वाला सिंबल को देखना है, प्लस वाले, तो 3 बड़ा है या 1, तो 3 बड़ा, 3 का नीचे क्या है, प्लस है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए 3 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 2x², और यहाँ से नीचे ये लीजिए 3x, और ये प्लस में 1। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ। ओके, तो ये वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर से सबसे बड़े वाला पार्ट को लेंगे, तो ये है 2x²
और यहाँ से है एक्स स्क्वायर एक्स तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचाएगा 2x, यानी प्लस में हो जाएगा 2x। और इस 2x से फिर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वन में, तो ये हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू वन 2, और ये x हो जाएगा और ये माइनस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2x स्क्वायर ये हो गया प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में 2x, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से देख लेते हैं ये वाला पार्ट पूरे कैंसिल। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 2 बड़ा है या 3, 3 बड़ा है, 3 से पहले का क्या सिंबल है माइनस, ये हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 चला गया तो कितना हो जाएगा 1 टू n में 1x बचेगा और ये प्लस में 1 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से मैं ये वाला पार्ट ड्रॉप कर देता हूँ और ये आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ क्या बचा, माइनस में x बचा है और इधर में क्या बचा x दिया है प्लस में, तो x x कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो गया 1 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 1। और इस माइनस 1 से हम लोग क्या करेंगे इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इससे करेंगे 1 से जो यहाँ पर आया है माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ बन गया माइनस एक्स और प्लस में 1। और ये देख लेते हैं ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर 0, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये जो x माइनस वन जो है ये 0 आ गया, इसका यही प्रूफ है कि ये इसका फैक्टर है। क्या है फैक्टर का क्या मतलब बनता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो उसका रिमाइंडर 0 दे रहा है या नहीं। अगर वो 0 दे रहा है तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर है, ठीक है। तो देखिए इसका रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर मिल गया 0, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। रिमाइंडर आप नीचे लिख दीजिएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0 और क्वाशेंट, क्वाशेंट इक्वल टू क्या मिल गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1। ये वाला पार्ट आप नीचे लिखिएगा और ये यहाँ से लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये जो पार्ट है ये जो वाला पार्ट है उसे आप फैक्टराइज कीजिए और उस फैक्टराइज से जो आपको क्वेश्चन का जो x का जो वैल्यू मिलेगा वो हमें ये दे देगा कि हाँ इस वाले फैक्टर का कितने जीरोस मिल सकता है। तो चलिए उसे भी बनाते, ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये नोट डाउन करने के बाद ये वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1, ठीक है। तो मैं आप ये रफ कर देता हूँ और ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लूँगा इसके नीचे, ठीक है। ये अभी कंप्लीट सॉल्व करना है हमें। चलिए ये वाला पार्ट भी रफ कर देता हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं रफ कर देता हूँ इस वाले पार्ट, यहाँ पर तो लिखा गया माइनस 1 है ना, हाँ। तो देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये जो पार्ट है क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1, ये था। और ये वाला पार्ट भी अभी मैं कंप्लीट रफ कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए इस वाले पार्ट को मैं फैक्टराइज करने जा रहा हूँ। फैक्टराइज कैसे होता है, 3 है और ये लास्ट में 1 है, तो 3 और 1 को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू में 1 तो ये मिलेगा हमें 3, और 3 को क्या करना है LCM करना है, तो LCM जब कीजिएगा तो 3 1 जा 3, 3 से एक बार करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और माइनस करने पर हमें 2 चाहिए, तो देखिए 3 इंटू 1 करने पर 3 मिल रहा है और 3 माइनस 1 करने पर 2 मिल रहा है, मतलब जो हमारा फैक्टर है वो क्या मिल रहा है 3 माइनस 1। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा 3 माइनस 1, और ये x यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 3 माइनस 1 तो ये 2x हो गया और ये x इधर आ गया और माइनस में 1 मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ से देख सकते हैं क्या मिल गया, 3x स्क्वायर प्लस में 3x, 3 इंटू एक्स 3x और ये 1 प्लस माइनस माइनस, ये 1x नहीं सीधा x लिखेगा और माइनस 1, क्योंकि 1x नहीं लिखते सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये दोनों पार्ट का कॉमन लेना और ये दोनों पार्ट का कॉमन लेना है, तो यहाँ से 3x कॉमन आ जाएगा, 3x को कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1 क्योंकि 3x पूरा कॉमन है। अब यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लेने पर क्या बचेगा x प्लस में 1, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा तो बचेगा प्लस। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या बचा बीच में, x प्लस में 1 और यहाँ से बचेगा 3x माइनस में 1, ओके। अब यहाँ से करेंगे क्या 4 0, यहाँ से कर लेते हैं 4 0s में क्या करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, इधर इधर में हम लोग करेंगे x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1, और इसमें इधर के बाद हो जाएगा और में क्या हो जाएगा 3x माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 1, तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 3 हो जाएगा।
आई होप ये समझ पा रहे होंगे। और एक लाइन लास्ट वाला जो पार्ट है वो लिख देते हैं, ऑल द जीरोस, यहाँ लिख सकते हैं ऑल द जीरोस ऑफ पी एक्स, ऑल द जीरो ऑफ पी एक्स आर, जितना भी पी एक्स का जो जीरोस था वो क्या क्या था, पहला तो क्या था एक्स इक्वल टू वन था, तो पहला तो वन होगा ही होगा, दूसरा क्या निकला माइनस वन, तो एक माइनस वन होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा एंड में वन बाय थ्री, तो ये चारों, ये तीन जीरो से दो जीरो एक्स्ट्रा आया तो वो हमें यहाँ लिख दे, एक जीरो पहले का था वन, तो ये यहाँ का है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर सिक्स का वन है, तो आपको ये समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए नीचे, अगर समझ में आ गया फिर भी कमेंट कीजिए कि समझ में आ गया, फिर मैं सोचूंगा कि हाँ चलो ये पढ़ाया हुआ सक्सेस हो गया। चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।